लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी कॉलेज में आ चुका है, जिसे देखने के बाद हमारा विंग उसके पीछे चला जाता है, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है, और विंग स्माइल कर रहा था, जहाँ पे वांग जी जिस विंग के फेस को देखता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी मुझे उस बारे में बात करनी थी तुमसे, वांग जी जब स्टिल चलते जा रहा था, तो विंग कहता है मुझे हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो टेरेस पे उसके बारे में बात करनी थी, जहाँ पे वांग जी स्टिल चलते जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है वांग जी ये बात करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने तुम्हें अपने बारे में भी तो बताया था ना, मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें याद है ना, जहाँ पे वांग जी जस्ट स्टिल खड़ा हो जाता है और विंग को देखता है और कहता है किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो ऐसे वांग जी कहता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वांग जी की जो टोन थी ना बहुत ज़्यादा सख्त थी विंग के लिए, बहुत ज़्यादा टेरेबल बोले तो जो है ना गुस्सा में ऐसे बात कर रहा है ऐसा लग रहा था, और वांग जी वहाँ से जा चुका था और विंग वहीं पे फ्रीज था, क्या वो भूल गया, नहीं मैंने तो उसे साफ साफ कहा था और हम दोनों के बीच में वो सब भी तो हुआ था ना, ऐसे विंग कहता और विंग वांग जी के पीछे फिर से आता है, बट वांग जी तब तक जो है ना क्लास में जा चुका था, जहाँ पे विंग भी उसके पीछे क्लास में आता है, क्लास में आने के बाद वांग जी के पास ही जाके बैठा है और कहता है वांग जी सुनो ना हम दोनों के बीच में पता है ना एनुअल डे फंक्शन पे हम दोनों जो है ना हम क्लास में थे, फिर उस बाद में हम टेरेस पे गए थे, तुम्हें याद है ना, तभी वांग जी खड़ा हो जाता है और टीचर की ओर देखते हुए कहता है सर मुझे दूसरी सीट चाहिए ऐसे कहता है, और वांग जी वहाँ से अपनी बुक्स को सारी चीज़ों को लेके दूसरी जगह पे जाके बैठ जाता है, और मैं जो पीछे बैठी हुई थी वो कहती विंग क्या हुआ वो आज अचानक तुमसे दूर क्यों हो गया, जहाँ पे विंग थोड़ा टेंशन में था और विंग कहता क्या उसे याद नहीं हम दोनों ने था, वो भी तो होश में था, उसने कुछ भी तो पिया नहीं था, मैंने तो देखा था वो तो होश में था, वो तो मेरे साथ ही एंकरिंग कर रहा था ना, उसे क्या हुआ है वो ऐसा क्यों कर रहा है, विंग ऐसे कहता है और मैं कहती चलो छोड़ो वो तो थे वो है ही ऐसा ऐसे कहता है, और विंग जो है ना मैम की ओर देखता है वो कुछ भी नहीं कहता, और क्लास ऐसे ही फिनिश हो जाती है, क्लास फिनिश होने के बाद विंग फिर से उसके पास जाता है हमारे वांग जी के पास, बट वांग जी फिर से हमारे विंग को इग्नोर कर रहा था, विंग कहता है कि वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है, विंग उसके पीछे पीछे घूम रहा था, बट हमारे वांग जी जो था ना वो विंग को फुल इग्नोर कर रहा था, वांग जी जब लाइब्रेटरी में गया बोले तो लाइब्रेरी में गया तो विंग भी उसके पीछे चला गया, और विंग कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, हम दोनों को सारी बातें क्लियर करनी होगी, बट वांग जी स्टिल विंग को ऐसे देख रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं विंग किस बारे में बात कर रहा है करके, ऐसे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे के पीछे पीछे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी कुछ बुक्स को लेके जो है ना आखिर टेबल पे बैठ चुका था, विंग उसके सामने बैठ के बैठे हुए जो ना उस बुक्स में हाथ रखते हुए थे, मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है जस्ट, और जो है ना साइड में एक बेल थी उस बेल को बजा देता है, जहाँ पे एक लेडी आती है और कहते यस क्या हुआ है, जहाँ पे वांग जी उनकी ओर देखते हुए कहता है कि विंग यहाँ पे जो है ना मुझे परेशान कर रहा है, जहाँ पे विंग स्टिल उसे देख रहा था घूर घूर के, नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं मैम ये वांग जी तुम क्या कर रहे हो ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी आज ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, विंग को जो है ना मैम बाहर जाने के लिए कहती है और विंग को उस टाइम पे बाहर चुपचाप निकलना पड़ता है, और विंग समझ नहीं पा रहा था वांग जी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, वो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, मैंने उसे पूछा भी नहीं वो मेरे बारे में क्या फील करता है, मैंने तो सिर्फ खुद के बारे में बताया, मैं क्या करूँ समझ भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मैं क्या करूँ क्या सब कुछ गलत हो गया, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं, विंग कुछ तो सोचो तुम्हें कुछ तो करना होगा, और तुम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है विंग, और तुम वो ऐसे इन सारी चीज़ों को भूल नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं ऐसे विंग कहता है, और विंग वहीं पर स्टिल खड़ा था, तभी विंग के दोस्त आते और विंग के हाथ को पकड़ते, विंग क्या हुआ है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ओहो क्या फिर से उसके पीछे आए हो, तो विंग कहता है हाँ, तभी शौशन कहता है विंग बहुत ऊँचा हमें पहले वो जानना है, विंग कहता है क्या, तो शौशन विंग के जो नेक पे निशान की ओर जो पॉइंट करता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम लोग रुको मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा बट अभी जो है ना टाइम नहीं आया है ऐसे कहता है, जहाँ पे न्यूसन कहते हैं वी ब्रदर आपको क्या हुआ है, जहाँ पे विंग स्टिल जो है ना न्यूसन को देखते हुए कहता है कुछ भी नहीं न्यूसन कुछ भी नहीं, अगर न्यूसन को मैंने ऐसा कुछ भी बताया ना तो न्यूसन सारे लोगों को बता देगा, इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, विंग अपने मन में कहता है, और अगर लोगों को पता चला कि एक लड़का एक लड़की के साथ सोया है हाँ तो क्या सोचेंगे सब लोग, बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा बहुत ज़्यादा ही, ऐसे विंग अपने मन में सोचता है, और विंग उन लोगों की ओर देखता है, कहता है गाइस चलो हम कैंटीन एरिया में चलते हैं, जहाँ पे विंग अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, जिसके बाद विंग के दोस्त अपनी अपनी अलग अलग उनकी क्लासेस थी वो अलग अलग क्लासेस अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे विंग तो क्लासेस आज अटेंड करना ही नहीं चाहता था, वो वांग जी का ही वेट कर रहा था, विंग कब
देख रहा था कि वांगजी की अब कौन सी क्लास है, तो विंग वहाँ पे जाके जो ना खड़ा था कि वांगजी आएगा तो विंग जाएगा करके, बट वांगजी आया ही नहीं था। और विंग जब वांगजी को ढूंढने के लिए निकलता है तो विंग देखता है कि वांगजी प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ है करके, जहाँ पे प्रिंसिपल जो थे ना वो लैन कुरान था, वो वांगजी से कुछ बात करे करके। तो विंग को ये बातें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, तो विंग वहाँ से निकल जाता है, खसक जाता है बिल्कुल। जिसके बाद जब कॉलेज को छुट्टी हो जाती है ना, तो विंग वहाँ पे जो अपने बाइक एरिया के पास जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खड़ा था कि वांगजी अब आएगा करके, जब वांगजी आता है ना, वो अपने अंकल के साथ आ रहा था, बोले तो प्रिंसिपल सर के साथ आ रहा था। तो विंग उस टाइम पे उससे बात नहीं कर सकता था बिल्कुल भी नहीं। तो वो दिन ऐसे ही चला जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जल्दी जल्दी जो ना घर से रेडी होता है, जहाँ पे उसकी मम्मा कहती है विंग क्या हुआ है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, विंग ऐसे करते हुए ना कॉलेज में आ जाता है। और आने के बाद जो है ना विंग वांगजी का वेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग के पास ना उसका नंबर है ना उसका बोले तो एड्रेस है विंग के पास, सिर्फ जो है ना वो शीचान गर से बात करता है, शीचान गर से वो मांग सकता है, बट विंग ऐसा करेगा या नहीं करेगा तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो विंग वहाँ पे वेट कर रहा था, तो विंग के दोस्त भी धीरे धीरे आते हैं, जहाँ पे विंग को वहाँ पे देखे जो वो शॉक हो जाते हैं, क्या हुआ है तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो, न्यूसान ऐसे पूछता है, जहाँ पे विंग कहता कुछ भी नहीं, और विंग डोर की ओर ही देख रहा था, जहाँ पे सारे दोस्त जो ना विंग को जस्ट घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि विंग का ध्यान पूरी तरह से डोर के ऊपर था, उसके दोस्त उसके सामने होने के बावजूद भी विंग के फेस पे कोई एक्साइटमेंट भी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, विंग जस्ट स्टिल खड़ा था। जहाँ पे तभी जो ना वाइट कार आती है, जिसके बाद जो ना उस कार से हमेशा की तरह वहाँ से लान वांगजी उतरता है। जैसे ही विंग लान वांगजी को देखता है ना, तो विंग अपना बैग जो है ना न्यूसान के हाथ में थमाते हुए जो ना दौड़ते हुए लान वांगजी के पास चला जाता है, जहाँ पे विंग जाता है और लान वांगजी उसे देखता है, और एक मिनट के लिए वो फ्रीज हो जाता है, बट वो फिर से बाहर निकलता है कार से और चलना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कल से तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना हम दोनों के बीच में उस टेरेस पे क्या हुआ था, तो हम दोनों, तो वांगजी खड़ा होता है और विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ मुझे पता है हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो जहाँ पे विंग वांगजी को जैसे सिर्फ घूर के देख रहा था बोले तो विंग कहता है तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है क्या बात करनी है किस बारे में, तो विंग कहता है हम दोनों के बीच में उस टेरेस पे हुआ था। तो वांगजी जस्ट विंग को देख के जो ना एक स्मक करता है, जहाँ पे विंग उस स्मक को देख लेता है, जहाँ पे वांगजी कहता है ओ उस बारे में जहाँ पे तुमने अपने प्यार को कन्फेस किया था मुझसे और मुझे भगाते हुए तुम टेरेस पे लेके गए थे, और उसके बाद हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उस बारे में। तो विंग कहता है हाँ मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों तुम उसे क्यों बात नहीं कर रहे हो, तो वांगजी जस्ट एक स्माइल करता है और विंग उसके स्माइल को देखता है, जहाँ पे आज वांगजी ने जो ना एक बन बनाया था, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है कल से मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी तुम मुझे इग्नोर करते जा रहे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, जहाँ पे जस्ट वांगजी विंग को देखता है, अच्छा तुम चाहते हो हम बात करें, चलो ठीक है हम बात करते हैं, बोलो क्या कहना चाहते हो। जहाँ पे विंग उसे स्टिल देख रहा था, जहाँ पे विंग अब उसके मुंह में शब्द नहीं आ रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है मैं कह रहा था कि अब हम दोनों के बीच में वो सब हो चुका है, तो हम दोनों को रिलेशन में आ जाना चाहिए ना। तो जस्ट वांगजी जो ना एक स्माइल करता है विंग को देखते, जहाँ पे विंग उसके स्माइल को देखता है, और विंग को वांगजी की स्माइल जो ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा, विंग जस्ट स्माइल को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है रिलेशन, तुम्हें क्या लगता है कि लोग इस रिलेशन को अपनाएंगे, तुम्हें लगता है कि हम दोनों के ऐसे रिलेशन को लोग अपनाएंगे, तो विंग उसकी ओर देखता है और शॉकिंगली विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता हम जस्ट कुछ टाइम तक छुपा के रखेंगे, जब हम दोनों कंफर्टेबल, तो वांगजी एक स्मिक करता है और कहता है कंफर्टेबल और तुम्हारे साथ, तुम जानते हो तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों का बिल्कुल भी मैच नहीं है, तुम्हें पता है। तो विंग जस्ट स्टिल उसे देख रहा था, विंग कहता तुम क्या कह रहे हो हम दोनों ने, तो वांगजी कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है किसी को भी पता नहीं चलेगा, मैं ना किसी को बताऊंगा, तुम भी किसी को बताना मत, ठीक है, तो ये एक सीक्रेट रहेगा, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा ना ही मुझे, और वैसे भी अगर लोगों को पता चलेगा कि ऐसा हम दोनों के बीच में हुआ है तो मेरी इमेज तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी और मैं अपने इमेज के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है विंग, ऐसे वांगजी कहता है और वहाँ से चला जाता है। और विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि विंग वांगजी से प्यार करता था ना, और वांगजी के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद जो ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग दौड़ते हुए जाता है और वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जाता है और वांगजी के फेस पे जोर से स्लैप कर देता है, जहाँ पे वांगजी पूरा शॉक, और विंग के जो दोस्त थे ना वो दूर से खड़े होते हुए ये सारा तमाशा देख रहे थे, विंग कैसे उसे बात कर रहा है, और वांगजी आज फर्स्ट टाइम जो विंग से बात कर रहा था तो वो सभी लोग देख रहे थे।
जहाँ पे विंग के दोस्त जल्दी से दौड़ते हुए आते और विंग के पास आके खड़े हो जाते, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब सभी लोगों के साथ करता रहता हूँ, मैं तुम्हें अपना मानता था, मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मैंने वो सब तुम्हारे साथ किया था, तुम्हें क्या लगता है ये सब गेम है जो कुछ भी हो रहा है, इतने टाइम से मैं तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। हाँ, शायद से स्टार्टिंग में ये गेम हुआ हो सकता है, बट इस टाइम पे ये कोई गेम नहीं है, जो मैंने कुछ जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा था वो सब रियलिटी थी, वो सच था, मैंने अपनी दिल की बात तुमसे कही थी और तुम ऐसे मेरी उन बातों को तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि उस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं, क्यों ऐसे जो ना विंग जोर से चिल्लाते हो कहता, जहाँ पे विंग के दोस्त विंग को समझाते विंग क्या हुआ है क्या हुआ है, जहाँ पे लान वांग जी जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था और सारे लोगों को देखता है, जहाँ पे लान वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहता है, इस चीज़ के लिए तुम्हें जो है ना मुझे बहुत बुरी तरह से कंपनसेशन करना होगा, याद रखना, ऐसे वांग जी कहता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था, विंग रो रहा था, जहाँ पे शाओ शियांग जस्ट विंग के पास आता है और विंग को हक करता है और कहता है, विंग क्या हुआ है मुझे बताओगे, तुम किस बारे में बात कर रहे थे, किस बारे में, तुम उसे पसंद करते हो, ये क्या है विंग मुझे बताओ, विंग तुम रो क्यों रहे हो, विंग बोलो, जहाँ पे विंग जोर जोर से रोते हुए जो है ना शाओ शियांग को हक कर लेता है, जहाँ पे जो है ना न्यू सैन विंग को देख रहा था, विंग की हालत को देख रहा था, जहाँ पे न्यू सैन जो है ना वहाँ से कल्टी मार लेता, बोलो वो जल्दी से निकलता है और वांग जी के पीछे आ जाता है, जहाँ पे न्यू सैन जाता है और वांग जी के हाथ को पकड़ते उसे खींचते हुए एक कमरे में लेके जाता है, बोलते क्लास में लेके जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट न्यू सैन की ओर देख रहा था, जहाँ पे न्यू सैन कहते तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, जहाँ पे वांग जी जस्ट न्यू सैन की ओर देख रहा था और वांग जी जस्ट न्यू सैन को बताता है तो न्यू सैन पूरा शॉक हो जाता है और न्यू सैन वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कहते उसे कुछ भी नहीं पता है कि तुम, जहाँ पे वांग जी कहता है बोलने की हिम्मत भी मत करना याद रखना, ऐसे कहता है, जहाँ पे न्यू सैन उसकी ओर घूर घूर करके देख रहा था और न्यू सैन कहता है ठीक है अब तुम्हें हद पार कर लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे न्यू सैन एक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट न्यू सैन की स्माइल को देखता है वो पूरा शॉक हो जाता है, जिसके बाद जो है ना न्यू सैन बाहर आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था, जहाँ पे विंग की तबीयत भी खराब हो चुकी थी, जहाँ पे विंग के दोस्त जो है ना आज कॉलेज को स्किप करने के बारे में सोचते हैं और विंग को लेके चले जाते, बट विंग का मूड कितना भी लाइट करने की कोशिश की गई बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, विंग का मूड लाइट ही नहीं हुआ और न्यू सैन भी विंग को इस हालत को जो है ना देख रहा था, उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था विंग के साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर न्यू सैन ने पहले ही न्यू सैन ने जो राज था ना वो पहले ही बता दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, न्यू सैन को ऐसा फील हो रहा था, जहाँ पे न्यू सैन बाहर आता है आने के बाद जो स्टील सभी अपने दोस्तों से दूर होते हुए जो ना किसी को कॉल करता है और उनसे कुछ कहता है, जहाँ पे वो जब ये सारी बातें कहता है ना तो सामने वाला इंसान जो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है ठीक है ठीक है, ऐसे कहता है और जिसके बाद जो है ना हमें सीन शिफ्ट करके जो है ना शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे दोस्त विंग के साथ थे बट अभी सभी लोगों को जाना तो होगा ना, तो विंग को जो ना उसके घर में छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी जो ना विंग का फ़ोन बजता है, जहाँ पे विंग तो जो है ना किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, विंग पूरा साइलेंट हो चुका था, विंग पूरी तरह साइलेंट था बट अननोन नंबर था, तो जो है ना न्यू सैन विंग से कहता है विंग इस फ़ोन को उठाओ वो तुम्हारे लिए आया है, विंग न्यू सैन को देखता है कहते हैं मैं किसी से बात नहीं करना चाहता प्लीज़, जहाँ पे न्यू सैन कहते हैं विंग और न्यू सैन फ़ोन को उठाता है और विंग के कान पे लगा देता है, जहाँ पे विंग जब सामने से आवाज़ सुनता है ना तो विंग स्टिल खड़ा हो जाता है और फ़ोन को हाथ में लेता है और बात करता है, कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है और विंग अपने दोस्तों की ओर देखता है और कहता है गाइस मुझे सामने वाले कैफे में ड्रॉप कर दो, जहाँ पे सभी लोग कहते हैं क्या विंग हम तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़, ऐसे कहता है जहाँ पे उसके दोस्त जो भी देख पा रहे थे विंग के फेस पे वरीडनेस सारी चीज़ें देख पा रहे थे, जहाँ पे न्यू सैन देख के एक स्माइल करता है, जिसके बाद जो है ना विंग को कहते हैं ठीक है जाओ, जिसके बाद विंग को उतार दिया जाता है एक कैफे के पास, उसके बाद जो ना उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद विंग वहाँ से एक टैक्सी लेता है और वहाँ से दूसरे कैफे में पहुँच जाता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जल्दी जल्दी आया था, वहाँ पे जाने के बाद जो है ना टेबल को ढूंढता है जिस टेबल की बात कही गई थी फ़ोन पे, वहाँ पे जाने के बाद विंग टेबल को ढूंढता है टेबल नंबर 7, वहाँ पे जाने के बाद विंग जल्दी जल्दी जाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है, बट जैसे ही विंग की आँखें उस टेबल पे जाती है उस टेबल पे 3 लोग बैठे हुए थे और विंग जस्ट घूर घूर के देख रहा था, जस्ट वो 2 लोगों को देख रहा था, वो 2 लोगों को देखने के बाद विंग पूरा शॉक था, वो जस्ट शॉकिंगली खड़ा था और उन लोगों की ओर देख रहा था, जहाँ पे तभी उनमें से एक इंसान खड़ा होता है और विंग के पास आता है और कहता है विंग, जहाँ पे विंग उनको देखते हुए गगा ये दो कैसे हो सकते, जहाँ पे जो शिचान थे ना वो विंग को लाते हैं और विंग को बिठाते हैं और विंग के सामने पानी का ग्लास रखते हैं और कहते हैं विंग इसे पियो, जिसके बाद जो है ना विंग पानी पीता है, जिसके बाद जो है ना शिचान कहते हैं विंग इनसे मिलो,
ये मेरे दोनों भाई हैं, लान फांगजी जो तुमसे मिलता है, जिसे तुम जानते हो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ 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 गगा, बट ये कौन है। जहाँ पे शीचन कहते हैं ये मेरा दूसरा भाई लांस हान, इसे मिलो। विंग जस्ट स्टिल होके उन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या, तो शीचन कहता है और तुम दोनों विंग से माफ़ी मांगो। जहाँ पे लान वांगजी और लांस हान जस्ट विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहते हैं किस लिए। जहाँ पे शीचन कहते हैं विंग तुम जो कॉलेज में जिससे बात करते थे, कभी लांसान होता था कभी वांगजी होता था, वो दोनों थे। कभी लांसान होता था कभी वांगजी होता था, कॉलेज में इन दोनों ने एडमिशन किया था। बट दोनों ने सोचा कि एक दिन वो जाएगा एक दिन ये जाएगा, ऐसे करते हुए वो दोनों एडजस्ट कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ नोट शेयर कर रहे थे। बट तुम उन दोनों से बात करते थे, तुम्हें नहीं पता था इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे भी जस्ट शॉकिंगली जो है ना शीशान ग की ओर देख रहा था, और मुझे नहीं पता था मेरे भाई ऐसा करेंगे करके। जहाँ पे विंग क्या 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 इसका मतलब ये दोनों ट्विंस हैं। तो शीशान ग कहते हैं हाँ लांसान लान वांगजी मैंने कुछ कहा। जहाँ पे वो दोनों विंग की ओर देखते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं सॉरी। जहाँ पे विंग जस्ट दोनों की ओर देख रहा था, क्योंकि विंग को समझ में नहीं आ रहा था इसमें लान वांगजी कौन है और लांसान कौन है। जस्ट विंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि दोनों का जो ड्रेसिंग स्टाइल था सेम था। जस्ट इतना था कि जो दोनों के बाल जो थे ना, वो दोनों के बाल सेम लेंथ के भी थे और दोनों ने सेम तरीके से जो ना हेयर स्टाइल भी किया था। विंग जस्ट शॉकिंगली उन दोनों की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग उन दोनों की ओर देख रहा था, जहाँ पे शीचन जो है ना लांसान की ओर देखता है, कहते लांसान मैंने कुछ कहा। तो लांसान कहते भाई मैंने कहा ना उसे सॉरी। तो विंग जस्ट लांसान को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी क्या हुआ था मुझे बताओ, मुझे सारी डिटेल पता नहीं है, बताओ क्या किया है लांसान ने। जहाँ पे जस्ट विंग लांसान की ओर देख रहा था। अब पता चल चुका था विंग को लेफ्ट वाला लांसान है, राइट वाला वांगजी है करके। जस्ट विंग देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है भाई ये बात, तभी लांसान कहते हैं भाई ये हम दोनों के बीच ही बात है, तो भाई हम दोनों सॉल्व कर लेंगे, यानी हम तीनों सॉल्व कर लेंगे, है ना विंग। जहाँ पे विंग लांसान की ओर देख रहा था जस्ट, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि विंग को है ना मिस्टर शीचन का कॉल आया था। जहाँ पे शीचन ने कहा था कि तुम कैफे में आ जाओ, वहाँ पे आने के बाद जो है ना हम कुछ बात करते हैं वांगजी के बारे में, और मुझे वांगजी के बारे में कुछ डिस्कशन करना है करके। इसलिए जो ना विंग जल्दी से यहाँ पे आ गया था। और हमारा नी हुसैन ने जो है ना शीचन को कॉल किया था, और शीचन को कॉल करके बताया था कि वांगजी ने जो है ना विंग को बुली किया है, विंग को परेशान किया है, बोले तो लांसान ने विंग को बुली किया है, परेशान किया है करके। शीचन को ये सब पता चला ना, तो शीचन ने सोच लिया कि विंग को ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि विंग को थोड़ी ना पता था। बोले तो कॉलेज में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि ये दोनों ट्विंस है करके, बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं पता है। इसलिए तो जस्ट वो बताना चाहते थे विंग को, इसलिए विंग को यहाँ पे लाए थे। और न्यूसन ने ऐसा नहीं बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है करके, और विंग ने भी अपने दोस्तों को क्लियर तरीके से नहीं बताया था। बट न्यूसन के मुताबिक जो कुछ भी विंग ने कहा था कि वांगजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो सब हम दोनों के बीच में जो बातों से जो ना न्यूसन समझ सबको समझ चुका था, बट वो न्यूसन किसी को बताना नहीं चाहता था बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जो न्यूसन ने सिर्फ शीचन को बताया, जिसके बाद शीचन ने विंग को कॉल किया और विंग यहाँ पे आया, और अभी ये तीनों बोले तो ये चारों लोग यहाँ पे बैठे हुए। जहाँ पे जस्ट विंग सबको घूर घूर के देख रहा है। जहाँ पे लांसान खड़ा होता है और कहता है भाई हम लोग बात करना चाहते हैं। जहाँ पे शीचन कहते हैं ठीक है, अगर तुम दोनों ने फिर से विंग को बुली किया तो देख लेना मैं तुम दोनों को कैसे सजा दूंगा। जहाँ पे वांगजी कहते हैं जहाँ पे लांसान कहते हैं ऐसे कहता है, और जो है ना शीचन विंग की ओर देखते हैं और कहते हैं विंग अगर तुम्हारे भाई ने मेरे भाई ने अगर तुम्हें बुली किया तो तुम मुझे बता देना। तो विंग कहता है हाँ हाँ ग ऐसे कहता है, और विंग का शौक अभी तक गया ही नहीं था लांसान वांगजी के बारे में, वो सोच रहा था जस्ट उन दोनों को देख रहा था घूर घूर के, ये क्या हो रहा है भाई ये कैसे, और ये दोनों मुझे बुली कर रहे थे, मैं तो सोच रहा था मैं उसे बुली कर रहा था। विंग के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। जहाँ पे शीचन वहाँ से चले जाते, जिसके बाद जो है ना लांसान कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद लांसान जस्ट विंग को देखता है और अपने भाई को देखता है वांगजी को, जहाँ पे वांगजी स्टिफ बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग की ओर लांसान देखते रहते हैं, अब जो कुछ भी सवाल है तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे फेस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब मैं अभी दे सकता हूँ, बट जब मेरा मूड ऑफ हो गया तो मैं नहीं दूंगा, याद रखना। तुम्हारे पास जस्ट
15 मिनट है, 15 मिनट में जितने सवाल आते हैं तुम्हारे मन में वो सारे सवाल पूछ लो और मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। जस्ट विंग हांसन की ओर देखता है और वांग जी की ओर देखता है और कहता है मैं उस टेरेस पे किसके साथ। तो लांसहान एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स विंग मेरे साथ। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था तभी वांग जी भी कहता है कि ऑफ कोर्स विंग मेरे साथ। जहाँ पे विंग उन दोनों की ओर देख रहा था विंग कहता है क्या 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 कह रहे हो तुम दोनों, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दोनों जस्ट एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट स्टिल उन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कुछ पूछा तुम दोनों मुझे सही आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। जहाँ पे लांसहान और वांग जी दोनों एक साथ कहते हैं विंग हम सही आंसर तो दे रहे हमने कहा ना हम दोनों थे। जहाँ पे विंग कहते क्या तुम दोनों कैसे। विंग तुम शायद से भूल चुके हो तुम्हारी याददाश्त थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो चलो हम तुम्हें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे